मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निजी कार्यक्रम में शामिल होने बोकारो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी बंगाल के कुछ हिस्सों में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर चुकी है, ऐसे में ममता दीदी क्या कहती हैं वो वही जाने। साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों पर भी केंद्र सरकार पर तंज कसा। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि बोकारो में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, जहां पर एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बंगाल के कुछ हिस्सों में उनकी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर चुकी है और साथ ही साथ उन्होंने देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। रांची के हरमू किशोरगंज इलाके में बीती रात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिले को रोकने की कोशिश की गई। वहीं इस मामले में अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आपको बता दें कि गिरफ्तार बीजेपी युवा नेता शशांक राज ने काफिले को रोकने की वजह बेटी बहन पर हुए अत्याचार को बताया है और कहा कि जो गिरफ्तारी हो रही है बदले की भावना की राजनीति के तहत गिरफ्तारी की जा रही है। जेल के सराखों के पीछे डाल दिया है उन लोगों का, आपने इरादा और अटल करने का काम किया है कि समाज का काम वो और बढ़ चढ़ कर करेंगे और ये पूरी तरह से बदले की भावना की राजनीति बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, जब जब इस राज्य में विधि व्यवस्था खराब होगी तब तब राज्य के युवा सड़क पर आएंगे और आंदोलन करेंगे और मैं प्रशासन को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस आंदोलन के बाद प्रशासन ने स्फूर्ति दिखाई और वहां का हत्यारों। जिलों में पुलिस पदाधिकारी और जवानों की कमी देखी जा रही है, जिसके कारण थाने में जवानों की पोस्टिंग आशा के अनुरूप नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि बोकारो के मेजर अजीत कुमार झा ने की है। उन्होंने कहा कि इस कारण विधि व्यवस्था में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही उन्होंने ये भी बताया कि उनके अनुरूप एसआई में लगभग 150, एएसआई में 300 और कांस्टेबल में 150 जवानों की कमी है। कांस्टेबल की कमी है हमारे वहाँ, करीबन आज के डेट में हमारा 150 कांस्टेबल कम है स्ट्रेंथ के अनुसार। सब इंस्पेक्टर में भी हमारा लगभग अभी 150 स्ट्रेंथ कम है। ईएसआई संवर्ग में हमारा करीबन अभी 300 स्ट्रेंथ कम चल रहा है। बाकी तो इंस्पेक्टर लेवल हमारा स्ट्रेंथ फुल चल रहा है। जो मेन प्रॉब्लम है कांस्टेबल की है, कांस्टेबल का ही कमी होने के कारण थोड़ा भी। बोकारो में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2021 के तहत फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जो आगामी 22 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इसके पूर्व में सीएस कार्यालय से डॉक्टर एनपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर फाइलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता रैली भी निकाली थी, जिसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वहीं 22 फरवरी से 27 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में कुल 1843 बूथ बनाए गए हैं, जहाँ 23,63,079 लोगों को इसकी दवा खिलाई जाएगी। 2021 के लिए आज प्रभात फेरी सिविल सर्जन कार्यालय से निकाला गया, जिसमें हमारे सभी एमपीडब्ल्यू, सभी चिकित्सा बंधु और एनसीसी के एवं स्काउट के गाइड के साथ में उनके प्रशिक्षक के साथ सभी विद्यार्थी प्रभात रैली में पूरे शहर का भ्रमण। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना के इंडस्ट्रियल एरिया में पानी टंकी के पाइप में फंसे युवक का शव एनडीआरएफ की टीम ने निकाल लिया। वहीं मृत युवक की पहचान राजा कुमार के रूप में हुई है, जो एनआईटी के थर्ड ईयर का छात्र है। 5 दिन पहले सहरसा से एनआईटी की परीक्षा देने जमशेदपुर आया था। इस दौरान युवक के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद युवक का शव पानी टंकी के पाइप से बरामद किया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।